नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। हेमंत सरकार के एक साल पूरा होने पर जिले में विकास मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन उपस्थित हुए। वहीं पोटका के विधायक संजीव सरदार, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी और बहरागोड़ा के विधायक भी मौजूद रहे। उधर इस मौके पर 739 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। वहीं 83 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। 500 करोड़ की योजना का शुभारंभ जमशेदपुर में हुआ। उधर 11,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। वैसे राज्य भर में विकास मेले का आयोजन प्रत्येक जिला मुख्यालय स्तर पर किया गया था और मुख्य कार्यक्रम रांची के मोहराबादी मैदान में किया गया था, जहां खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी संख्या में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के द्वारा ही राज्य भर के सभी योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। प्रत्येक जिला स्तर पर पार्टी के विधायक मौजूद रहे। वहीं कई स्थानों पर राज्य के मंत्री भी मौजूद रहे। सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आपके समक्ष रखने हेतु विकास मेला एवं परिसंपत्ति वितरण समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना एवं उनका सशक्तिकरण करना है तथा राज्य सरकार द्वारा आम जनता के लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इससे आपको अवगत कराना है। इस विकास मेले में विभिन्न विभागों के द्वारा 30 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में विभाग से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की गई है। जिन लोगों का अब तक आधार नंबर नहीं मिला है, उसके लिए एक अलग से काउंटर की व्यवस्था तथा एक स्वास्थ्य शिविर का भी अलग से आयोजन किया गया है। राजस्व संबंधित कार्यों, कल्याण, मनरेगा, मुख्यमंत्री आवास योजना, बैंकों से संबंधित योजनाओं का लाभ लेने हेतु भी यहां अलग से काउंटरों की व्यवस्था की गई है। विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत इस जिले में पूर्ण की गई 739 योजनाओं का आज ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी सन्नेत्र ऐसी 476.69 करोड़ और इसके अतिरिक्त हाल में ही स्वीकृत 10 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया, जिसकी प्राकृत राशि 37.95 करोड़ रुपए है। उद्घाटन किए जा रहे मुख्य योजनाओं में चकुलिया शहरी जलापूर्ति योजना, जिसकी प्राकृत राशि 16.52 करोड़ रुपए की है। नाकदोहा गांव से कनोल पथ तक का पथ निर्माण कार्य, जिसकी प्राकृत राशि 2.53 करोड़ रुपए है। चाकड़ी से राधौड़ तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य, जिसके प्राकृतिक से 1.25 करोड़ रुपए है। सपधारा से पश्चिम बंगाल सीमा तक पथ निर्माण कार्य, जिसके प्राकृतिक से 2.63 करोड़ रुपए है। बहरागोड़ा में 132-133 केवीए ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण, जिसके प्राकृतिक से 38 करोड़ रुपए है। अमाई नगर घाटशिला में 33-11 केवीए विद्युत उप केंद्र का निर्माण, जिसके प्राकृतिक राशि 2.02 करोड़ रुपए है। रोआ मुसावनी में 33-11 केवीए का विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण, जिसकी प्राकृत राशि 27.40 करोड़ रुपए है। प्रखंड पोटका पंचायत कोवाली में ग्राम चार्डरडी चौक से लोड़ोकोचा पहाड़पुर कसियाबेड़ा होते हुए कुंदूकोचा गोल्ड माइंस तक के पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य, जिसकी प्राकृत राशि 1.84 करोड़ रुपए है। गुड़ाबांधा प्रखंड के अर्जुन बुड़ा में आश्रय विद्यालय के 100-बेडेड छात्रावास निर्माण कार्य, जिसका प्राकृत राशि 1.46 करोड़ रुपए है। मैं जिला प्रशासन की ओर से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही समस्त योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ समाज के अंतिम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और पूर्वी सिंहभूम जिला को विकास के सर्वोच्च पायदान पर स्थापित करने का कार्रवाई की जाएगी। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।